हे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री की जो फिगर्स होती हैं वो किसी इन्वेस्टर के लिए, किसी बिजनेसमैन के लिए आगे बढ़ने का एक जरिया होती है। हमेशा वो फिगर उसको मोटिवेशन देती रहती है। तो आज की इस वीडियो में अगर आप एक नेटवर्कर हो तो कुछ ऐसी फिगर्स दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। और मैं आपको कहता हूँ कि ये फिगर्स आपको जो है वो नेटवर्किंग के अंदर जमे रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखना। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया के अंदर, अगर हम बात करते हैं कि 10 से 12 ही ऐसी कंपनीज हैं जिनके ऊपर लोग जो है आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और उनके साथ नेटवर्किंग के अंदर जाने के लिए, काम करने के लिए जो है हाँ करते हैं। वो सिर्फ 10 और 12 ऐसी कंपनीज हैं जिन पे लोग जो है वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो फ्रॉड की, तो आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे, कंपनीज ऐसी मिलेंगी जिनका काम जो है वो नेटवर्किंग के अंदर सिर्फ लूटना है। अगर आपको सही नेटवर्किंग के अंदर की चूज करना है तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे उसको चूज करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग की इंडस्ट्री के अंदर आज के टाइम पे जो इसकी ग्रोथ की बात करते हैं तो वो है सबसे पहले इसके अंदर आप जानते होंगे कि 2025 तक जो इसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो 64,500 करोड़ जो है वो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट वो होने वाली है। ये ऑफिशियल फिगर्स हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के अलावा, जो हिंदुस्तान की अभी GDP है वो है 5% पे आ चुकी है गिर के, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बुरी खबर भी है हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे के सारे जो है वो कह सकते हो कि नीचे जा रहे हैं। इनको जो है वो बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो ऑटो सेक्टर है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा बिजनेस भी है जो अपनी जो है कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है, तो वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो पिछले कुछ सालों से 4.8% की जो है रेशियो से लगातार ग्रोथ कर रहा है। इसमें जो है गिरावट नहीं आ रही है बल्कि ये ऊपर को जा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी की है वो जो GDP है वो सारी की सारी नीचे जा रही है। लेकिन ये बिजनेस जो है वो फिर भी ऊपर को जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। इफ वी कंपेयर GDP विद नेटवर्किंग ग्रोथ तो इट्स अमेजिंग दोस्तों। नेटवर्किंग की जो ग्रोथ है वो 4.8% है, जबकि GDP की ग्रोथ जो है वो सिर्फ 5% रह चुकी है। अगर आप देखोगे तो GDP से जो है वो सभी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड होती हैं। अगर GDP कम होती है तो ये नेचुरली है कि सभी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो नीचे जाएगी। लेकिन दोस्तों, सभी इंडस्ट्री इस टाइम पे नीचे को जा रही है, लेकिन जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो है GDP की जो ग्रोथ रेट है वो नीचे गिर रही है, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर भी कंटिन्यू जो है वो अपनी ग्रोथ बनाए रखे हुए हैं, ये बरकरार है। तो ये एक जो नेटवर्कर है उनके लिए मोटिवेशन की बात है कि वो एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है वो जो लगातार ग्रोथ कर रही है, जबकि बाकी सेक्टर जो है वो जो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो ये एक मोटिवेशन की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी बीच हम बात करते हैं कि जो ये इकोनॉमी जो है हमारी गिर रही है इतनी ज्यादा से, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है वो ऊपर बढ़ रही है, तो इसका सबसे मेन रीजन ये है कि अभी जो है इसके ऊपर लोगों का ध्यान आने लगा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा हो गई है। तो अभी लोग जब काम ढूंढते हैं तो उसकी नजर जो है इसी इंडस्ट्री पे अभी पड़ने लगी है। अभी ये इंडस्ट्री जो है आप कह सकते हो जो इंट्रो लेवल है वहां पे खड़ी है, इसका जो फ्यूचर होगा बहुत ही बड़ा और ब्राइट होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि चीजों को समझना आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहे कैसे भी समझो। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा यूएस की जो मार्केट है, यूएस के जो लोग हैं उनकी। दोस्तों, यूएस के 60% से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली नेटवर्किंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पे इंडियंस का अक्सर आपने ये एक बात नॉर्मल सुनी होगी कि यूएस के लोगों की जो लाइफ है वो काफी ज्यादा हाई फाई है। दोस्तों, उसका कुछ रीजन है, अब समझो उस चीज को। हर एक का किसी भी चीज को समझने का जो नजरिया होता है वो अलग होता है। वो लोग जो है वो नेटवर्किंग के बिजनेस को आज से बहुत साल पहले समझ चुके थे, जब ये बिजनेस हिंदुस्तान में आप कह सकते हो आया भी नहीं था। तो इसलिए वो लोग जो है वो आज यहाँ
तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री का इंट्रो लेवल चल रहा है, इंट्रो पीरियड चल रहा है। जो आज इसको समझ जाएंगे और यहाँ पे डट जाएंगे तो उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा दोस्तों। तो ये थी कुछ ऐसी फिगर्स के, जीडीपी के गिरने के बावजूद भी नेटवर्किंग जो है वो 4.8% की रेशियो से लगातार पिछले कुछ सालों से अपनी ग्रोथ को बरकरार रखे हुए है। इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर आपने अभी तक इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है। तो मैं आपको ये डेफिनेटली कहूंगा कि आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेशियो के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान सके।